धमतरी के नज़दीक पुरूर के पास आज सुबह तकरीबन 7:30 बजे एक बड़े सड़क हादसे में कांकेर ट्रेवल्स और पायल ट्रेवल्स की दो बसें आमने सामने से आपस में टकरा गईं। इस दुर्घटना में पायल ट्रेवल्स के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कांकेर ट्रेवल्स बस का ड्राइवर बुरी तरह घायल बताया जा रहा है। दोनों बसों के 40 से अधिक यात्री भी घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए धमतरी के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। घटना के समय दूसरा बस ड्राइवर स्टीयरिंग में ही फंसा हुआ था, जिसे काफ़ी मशक्क़त के बाद बाहर निकाला गया। हादसे में दोनों बसों के 30 से अधिक व्यक्तियों के घायल होने की खबर है। घायलों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से लगातार जिला अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों की टीम इलाज में जुटी हुई है। एक दुखद घटना आज रोड एक्सीडेंट की घटी है, जिसमें पायल रोडवेज और कांकेर रोडवेज की बसों के बीच में हेड ऑन कोलिजन हुआ है चितौत बालोद जिले के क्षेत्र में, और उसके लगभग 35 लोग अभी जो घटना से प्रभावित हैं वो हमारे जिला अस्पताल में एडमिटेड हैं। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमको विशेष निर्देश दिया है, हमको और एसपी साहब को घटनास्थल पे एवं यहाँ हॉस्पिटल में आने का, तो हम लोग पूरी सिचुएशन का जायज़ा ले रहे हैं। इनके मुआवजे का जो दो मृतक हैं उनके और जो घायल हैं गंभीर रूप से उनके भी मुआवजे का हम प्रकरण बना रहे हैं, उसको भी हम तत्काल कार्रवाई कर रहे हैं और पूरी तरह से सुनिश्चित किया जा रहा है कि सारी मेडिकल सुविधाएं इनको उपलब्ध हो। और साथ में बस ओनर से भी हमारी चर्चा हो रही है कि वो भी अपनी ओर से संवेदनशील रूप से कुछ इनकी सहायता आर्थिक रूप से करें। घटनास्थल पर तत्काल मौके पर हमारी धमतरी पुलिस की टीम पहुँच भी गई थी और वहाँ पर बालोद की टीम भी पहुँच गई थी, और हमने वो जो ड्राइवर जो कांकेर रोडवेज का ड्राइवर जो ड्राइविंग सीट पे फंस गया था उसको हमने किसी तरह से निकाला और उसके बाद उसको रेफर इधर हॉस्पिटल लाया। अभी तो इसमें प्रकरण पंजीबद्ध करके आवश्यक जांच की जाएगी और ये घटना का क्या रीज़न था, क्या कारण था, ये जांच के बाद ही पता लग पाएगा। बताया जा रहा है कि एक बस रायपुर से जगदलपुर की तरफ जा रही थी, वहीं दूसरी बस जगदलपुर की ओर से रायपुर की ओर आ रही थी। तभी धमतरी के नज़दीक पहुंचते ही ग्राम पुरूर के पास दोनों बसों में जबरदस्त टक्कर हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम वाहनों को सड़क से हटाकर ट्रैफिक स्मूथ कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश टीवी। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश टीवी, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।